अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी के बेस पे स्टूडेंट को फाइंड कर लेंगे। तो चलते वापस वीएस कोड में, एक और न्यू राउट यहाँ पर बना लेंगे। कमेंट कर लेते पहले शुरू, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। सो यहाँ पे एक राउटर डॉट गेट मेथड, गेट ही मेथड रहेगा, इसी में हमको फाइंड करना है। और इसके अंदर यूआरएल पैटर्न बना देंगे, गेट स्लैश कोलन आईडी। सो कोलन आईडी मतलब क्या रहेगा, ये डायनेमिक आईडी रहेंगी। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स के अंदर कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं और फिर उसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, यानी कंट्रोलर फंक्शन। तो नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमेंट बना लेंगे, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और एक न्यू फंक्शन कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट बाय आईडी इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन फिलहाल के लिए, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, सेव कर लेते हैं इसको और राउट में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर फंक्शन भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कंट्रोलर फाइल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी एसिंक कर लेंगे। एसिंक एरो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे, और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हमको ऐड करना है। तो ट्राई एंड कैच, कैच में सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है एज इट इज प्रिंट कराओ। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे, फॉल्स। एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैसेज एरर इन गेट स्टूडेंट बाय आईडी एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। प्राइम में हमको क्या करना है, सबसे पहले आईडी को गेट करना है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्ट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पराम्स डॉट आईडी। अब देखिए रिक्वेस्ट है, उसके अंदर पैरामीटर्स है, और ये आईडी है। अब ये आईडी और आपने जो राउट में नाम लिखा है ना आईडी, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। इसका भी एक वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ विद रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे, कॉल मैसेज ऐड कर देंगे, उसके बाद में इनवैलिड और प्रोवाइड स्टूडेंट आईडी, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट डेटा, क्योंकि डेटा हम यहाँ पर स्टोर करने वाले। फिर अवेट करेंगे, अवेट किस चीज़ का करना है, पहले शुरू हमको यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डी बी डॉट क्यूरी। क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब फाइंड कैसे करते हैं माई सिक्वल में, वेयर की मदद से हम इसमें फाइंड करते हैं। पहले शुरू तो सारे रिकॉर्ड हम गेट कर लेंगे, सो यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे टेबल का नाम है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर कीवर्ड यूज करेंगे, वेयर आईडी इक्वल टू, और इसके साथ में हम यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे प्लस, जो भी स्टूडेंट आईडी है उसको यहाँ पर हम पास करा देंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट क्यूरी हम लिखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का चांसेस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स डेटा इक्वल टू अवेट, सेम चीज फॉलो करना है, बस क्यूरी हमारी थोड़ी सी हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तो डी बी डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम अगेन बैकटिक या फिर सिंगल कोट्स का आप यूज कर सकते हैं, सेम स्ट्रिंग है, सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर उसके बाद में वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के एरे के अंदर जो है स्टूडेंट आईडी को पास करा देंगे, तो स्टूडेंट आईडी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा जो क्यूरी है ना वो सिक्योर हो जाएगा, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगा। अब चलिए इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन देख लेंगे, और ये है डेटा, इफ नॉट डेटा, डेटा नहीं मिलता है, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विद रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 204, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहां पर हम ऐड कर देंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर रिकॉर्ड मिलता है तब हम क्या करेंगे, वापस से सक्सेस का रिस्पॉन्स यहां पर सेंड करा देंगे, तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे थ्रू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट गेट हो रहा है ना उसको यहाँ पर बता देंगे। सो डेटा, डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ जीरो, या फिर इसका नाम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स,
सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। चलते वापस पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें हम करेंगे गेट बाय आईडी कर लेता हूँ उसका नाम, और प्रीवियस वाला जो स्ट्रिंग था ना इस लोकल होस्ट वाले को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, सिंपल, इसमें हमारे पास है गेट और उसके बाद में हमको आईडी पास कराना है, तो आईडी मैंने 1 लिखा, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये स्टूडेंट राउट और देखिए गेट स्लैश कोलन आईडी। तो चलिए यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है, सो इसमें कुछ इशू है, इसको आईडी नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो आईडी में कुछ इशू होगा, एक बार देख लेते हैं, चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर है डेटा, डेटा बराबर से गेट हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए नॉट की कंडीशन मिसिंग है, सो इफ नॉट डेटा तभी हमको यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेंड करना है, सेव कर लेंगे इसको, चलते वापस पोस्टमैन में और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट की डिटेल बराबर से शो कर रहा है, देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट, आईडी, नेम, रोल नंबर, सब कुछ बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है। तो परफेक्टली हमारी गेट बाय आईडी की क्यूरी भी एग्जीक्यूट हो रही है और इसका रेस्ट एपीआई बराबर से काम कर रहा है।